आपको पता है गाड़ी किसकी है? ये ना नवाब साहब की है। ऐसी एक गाड़ी उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को गिफ्ट की थी। और ये जब वो बाहर गए थे आउट ऑफ कंट्री, यानी कि अब मुझे मुल्क तो का नाम नहीं याद, मुझे जहाँ से पता चला था, तो जब वो शोरूम में गए गाड़ी ख़रीदते, तो उसके मालिक ने कहा कि भाई तुम तो सादा से बंदे हो, कहाँ गाड़ी ख़रीद सकोगे। तो अगले दिन ना वो अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए। तो जब वो गए अपने, तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ ख़रीद के ना पाकिस्तान ले आए शोरूम से ख़रीद के, उस मतलब वहाँ यहाँ पे ला के उन्होंने सवारी के तौर पे काम नहीं किया, बल्कि यानी कि इस गाड़ी के गाड़ी जो है यहाँ पे, बल्कि उन्होंने इसको इसके आगे झाड़ू बांध के ना, यानी बनवा के एज अ सफाई के तौर पे ये गाड़ी यानी इस्तेमाल की। जब उनके मालिक को पता चला तो ज़ाहिर है रेपुटेशन ख़राब होने लगी थी। वो बाकायदा आया पाकिस्तान, उनसे नवाब साहब से माफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने एज अ 2 से 3 गाड़ियों ने गिफ्ट भी की, जिनमें से नवाब साहब ने ये गाड़ी कायदे आज़म को गिफ्ट की। तो ये सारी कहानी थी, इसलिए कहते हैं ना नवाब नवाब।